मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में मानसून अब और आगे बढ़ने लग गया है। राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मानसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है और इसका असर भी कल मंगलवार से भी दिखना शुरू हो गया। यह नागौर जिले का डीडवाना का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां एक घंटे हुई झमाझम बारिश ने सड़कों को नदियां बना डाली। बीते 24 घंटों के दौरान बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, नागौर के कई हिस्सों में भयंकर बारिश देखने को मिली। राजस्थान में कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रहा मानसून अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ज्यादातर हिस्सों में बारिश भी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों की बात करें तो सबसे अधिक बारिश पिलानी में दर्ज की गई। पिलानी में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, बूंदी में 16 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में 7 मिलीमीटर और चूरू में 16 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हालांकि आपको बता दें, मानसून 2021 राजस्थान में अपना अलग अलग रंग दिखा रहा है। कहीं पर तेज भयंकर बारिश हो रही है तो कहीं पर अभी भी मानसून का बेसब्री से इंतजार है। वहीं आपको बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार बुधवार को पूर्वी राजस्थान के सीकर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, झुंझुनू, करौली में आज भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और नागौर के साथ जैसलमेर व जोधपुर जिले में भी बिजली चमकने के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। आपको एक बार फिर बता दें, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये नागौर जिले का है। कल शाम को डीडवाना और लाड़नू कस्बे में भयंकर बारिश का दौर शुरू हुआ। एक घंटे हुई मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशियां छा गई। खेत खलियान पानी से भर गए, सड़कें दरिया बन गई। आज भी प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 2-3 दिनों तक मानसून सामान्य ही रहेगा। इसके बाद 18 जुलाई से एक बार फिर भारी बारिश की गतिविधियां पूरे राजस्थान में बढ़ जाएगी।